हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज भी मैं काफी दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो करना। करीब 4 से 5 दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाए मैंने। मेरी तबीयत खराब चल रही थी, थोड़ी गुंजा की भी तबीयत खराब चल रही थी, मतलब वही सर्दी जुकाम वाला काम। आलू की भी तबीयत खराब थी, तो क्या नाचो मैं? मौसम यहाँ का वही, आज भी बारिश हुई थी और कल रात से बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी थोड़ी सी बंद हुई है बारिश, तो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने कल मम्मी को मना कर दिया था आने के लिए। मम्मी कहती है कि हर संडे को उसे घुमा के ले आया करो आरू को, और आज है हरियाली तीज, तो आप सभी को हमारी तरफ से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी आरू कह रहे हैं कि वर्ल्ड सेंचुरी लेके जाने वाला था। मैंने कल आरू को बोला था कि ओखला वर्ल्ड सेंचुरी है, तो वहाँ अभी तो नहीं जाएंगे, अब तो घर जा रहे हैं ना मम्मी के पास। मम्मी को कल रात को भी फ़ोन आया था लेके आ दो, मैंने बोल दिया कि नहीं अभी टाइम नहीं है, बारिश हो रही है, तबीयत ख़राब है सबकी। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम दोनों आने वाले हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और आपको देखा ही होगा आपने, मैंने जितनी भी वीडियो शूट करी है वहाँ पे मम्मी के घर में, हर वीडियो में वो इमोशनल हो जाती हैं जब हम जाते हैं तब, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम दूर रहने लगे उनसे। तो चलो जल्दी फटाफट से निकलते हैं, वहीं पर जाके मिलते हैं हम सोसाइटी में। हाँ आरू, चुटकी बजा के मैं आ गया हूँ अपनी मम्मा के पास। मुझे बहुत याद आ रही थी दादी के पास। तो अभी हम ना उन्हें सरप्राइज देंगे, तो छुप जाएंगे। पहले देखते हैं। यहाँ से गेट खुलेगा, अभी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरे को जानता नहीं है ये। अब हमारे चौक गए एकदम। बना दिया दादी को, तो आज ने प्रैंक कर दिया दादी के ऊपर। हम के कौन था? अरे और मेरी मम्मा। मेरा गोलू मोलू, और गोली नहीं आई, और पापा मेरे से इमोशनल हो गए। पापा इमोशनल हर बार हो जाते जब भी आए। देखो नहीं देखो, ठीक है ना, देखता रहता कि वो नाश्ता बना रही है, लग रहा है कुछ ना गोपाल जी ना। अरे गोपाल जी का भोग बना रही है मम्मी। लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि अपना पूरा घर का टूर दो, घर का टूर दो। तो हम बहुत जल्दी देंगे, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटअप में। पालू के लिए जब वैसे तुम्हें यकीन था पापा, सच बताओ कि हम आने वाले हैं आज? नहीं तुम्हें मालूम था कि हम आने वाले हैं? हाँ नहीं मालूम था ना, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कल पापा से। मम्मी तो नाराज, मतलब गुस्सा हो गई थी कि हाँ ठीक है। जैसे मैंने बोला ना मम्मी फोन पे, मम्मी हम नहीं आ पाएंगे अभी। हाँ तुम क्यों आओगे, ठीक है। हाँ कल मैं राम के संग जाऊंगी, और 2-3 दिन रह के आऊंगी। नहीं तो हमारे संग चलेंगी मम्मी। अब तो मैं हो गया हूँ फाइनली रेडी, नहा धो के, मतलब नहा धो लिया हूँ। आज हरियाली तीज है एक्चुअली, तो जल्दी नहा लिया हूँ।
मम्मी बना रही है भाई, खाना बना दिया था, नाश्ता कर लिया हमने, मस्त कचौड़ी का नाश्ता कराया है मम्मी ने। यूट्यूब फैमिली जो हमारी है बहुत सपोर्ट कर रही है हमें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। प्यारा सा छोटा सा घर बहुत जल्दी दिखाएंगे हम आपको, पूरा प्रॉपर। उल्लू बना रही है, उल्लू बना रही है मुझे, मगर मैं उल्लू बनने वालों में से नहीं हूँ आज। पापा हाँ, मैं जो भी बोलूंगा वो करोगे आप? हाँ। आज वो हरियाली ईद है ना? हरियाली ईद नहीं, तीज। हरियाली ईद तीज है ना? हाँ। तो झूला झूल रहे हो दिन को, तो झूला झूला रहे हैं ले जा। झूला तो सोसाइटी में है ही है, तो झूला झूलेंगे। तो आरू आया है पार्क में झूला झूल रहा है, और साथ में देखो कौन झूला। शाबास बेटा, छोटा बेबी झूल रहा है। एक बड़ा है बेबी, छोटा बेबी है ये। अच्छा, हाइट बढ़ गई है पर छोटा बेबी है। One eternity later. अरे भाई, तो आरू रोने लग गया है अभी। खुद बैठो पहले तो। चाचू ने डरा दिया भाई। नहीं बैठेंगे, हमें चक्कर आते हैं पहले। हम आपसे छोटे बैठो पहले तो। खुद बैठो, मैं इसमें पहले बैठो, तब पता लगेगा। चाचू को बिठाओ इस पे, जबरदस्ती पकड़ के बिठाओ। जेंगा खेल रहे थे आरू के साथ में, तो मम्मी का लास्ट वाला गिर गया है, तो मम्मी हार गई। आरू ने चीटिंग करी दो बार और क्या, नीचे से उठा के डाल दिया, उठा के पूरा सेट और वहीं के वहीं फिट कर दिया उसको। पर गिरा तो नहीं, गिरा नहीं। हाँ हाँ, मेरा आज एक भी नहीं गिरा। चीटर। अब दिखाते हैं आपको कि यहाँ बिजनेस करने में, मतलब कौन सा बिजनेस कर सकते हो जो बढ़िया हो, और आसपास बेब सिटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अभी भी बिजनेस के लिए, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको अभी। तो चलो चलते हैं। तो अभी आया हूँ मैं बाहर मार्केट में गाइस, तो यहाँ पे ना यही बता रहा था मैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी है बेब सिटी में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, करीब मेरे हिसाब से इस मार्केट में 50-60 दुकानें होंगी, और ये सारी शॉप्स अभी तो खाली हैं। और हमारे घर के सामने से हमें दिखाई देता है दो शॉप दिखाई देती हैं, जो कि एक ये मदर डेयरी वाली है और एक साइड में है इसके केक वाली शॉप। तो ऐसे की शॉप्स आप भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे यही अपॉर्चुनिटी है अभी, तो देख लीजिए आप लोग। मम्मी ने बोला पापा से कि दाढ़ी बनवा लिया करो अपनी दाढ़ी। तो पापा कहते हैं एकदम जे इसे ना बोलेगी तो जाना देखेगी कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जा सकते तो कुछ ना कही। मम्मी कहती है वो तो दाढ़ी में अच्छा लग रहा हो, तुम रख लो इतनी बड़ी दाढ़ी। तो पापा हम तो बुरे लगेंगे ये बहुत सुंदर लगती है। तो चलो चल दिए हैं भाई, खाना वगैरह खा लिया है फिर से। वैसे तो बारिश हो ही रही है हल्की हल्की, पता नहीं चल रहा है कि बारिश हो भी जाए। चले यार, तो चलो चल रहे हैं। बाय बाय बाय। अरे काम गया, चलो भाई चलते हैं।